जनों, आज मैं स्नान के संबंध में बताना चाहता हूं। स्नान किसी भी पुण्य स्वरूप कोई अगर काम करना चाहता है तो बिना स्नान के वो पुण्य रूपी जो कार्य करने में जो है ना वो निष्फल कहलाता है। मैं तो ये कहूंगा कि स्नान मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला है वस्त्र सहित स्नान। ये कैसा स्नान होता है? वस्त्रों को मतलब जिस समय जो स्नान जब पूरा करे तो पूरे वस्त्रों को भी पूरा धोना पड़ेगा। पूरे वस्त्रों को धोए स्नान के समय, पूरे वस्त्र जो पहने हो वो वस्त्रों सहित स्नान कहलाता है। वो स्नान कब आवश्यक है? जब कहीं किसी शव यात्रा में जाएं, शमशान में जाएं, लौटने के बाद वो स्नान वस्त्र सहित स्नान आवश्यक है। मलमूत्र के लिए जाए तो शौच के लिए जाए, उसके बाद भी स्नान आवश्यक है। और कहीं भी मतलब विशिष्ट रूप से कोई मटन है या कहीं किसी को कोई किसी को इस प्रकार के कोई घृणित कार्य में हो तो उड़ करके देखें करें तो उसमें से भी वैसे स्नान आवश्यक। ऐसे विशेष रूप से इन चीजों के लिए आदि जरूरी है। और तो दूसरा स्नान कहलाता है कि आप जैसे कहीं आप गए और कभी जो आदमी बड़े जो है ना तो कोई एक मछली बेच रहा है, हमारा हाथ लग गया कहीं घृणित वस्तुओं पर, ऐसा हो गया कहीं किसी ने कोई गलत जगह से आ रहा है उसमें हमारे स्पर्श हो गया तो हमको अगर पता लग गया छोटी मोटी इस प्रकार की चीज़ों में, जो कोई शव यात्रा से आ रहा हम उसको छू गए धोखे से, तो इस प्रकार का भी अगर ऐसा हो तो उसमें वस्त्र रहित स्नान कहलाता है। अर्थात कपड़े न धोए और इसके बाद जो है ना अपना स्नान कर ले, उनको वह स्नान कहलाता है। तीसरा स्थान रहता है पानी का छिड़काव, छिड़काव जल का छिड़काव। अगर अपन कहीं भी जाते हैं, दूर दूर से जाते हैं फिर घर आए, बाहर से घूम के आते हैं तो भी घर आए, क्या मालूम कहाँ पर क्या शुद्धि मिल जाए, इसलिए हम पूरे शरीर में पानी का छिड़काव कर लें तो वो भी एक स्नान कहलाता है। पैर धो लें और पानी का छिड़काव कर लें, ये स्नान कहलाता है। ये तीन प्रकार के। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि स्नान में जरूरी है कि पहले जो स्नान होता है तो आपको जो है ना तो जो कुएं के पानी का स्नान उससे अच्छा है, नदी के पानी का स्नान उससे अच्छा है, गंगा नदी का अगर पानी स्नान मिल जाए तो सर्वोत्तम। नहीं मिलता और अगर स्नान के समय अगर कोई तीर्थ कोई अपना पवित्र जो अपने त्योहार होते हैं उस दिन हमें स्नान करना है तो उस समय स्नान जो है क्या करना चाहिए, उस समय के स्नानों में हमें जो है ना तो तुरंत जो है ना तो जल अपने घर में ही दो चार बूंद टपका लें जिसमें स्नान कर रहे हैं पात्र में और फिर स्नान करें तो उसको बड़ा पवित्र माना गया पवित्र स्नान। दूसरी बात, अगर कोई ग्रहण लगता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कोई भी ग्रहण के बाद भी स्नान आवश्यक है। स्नान के इस प्रकार से विधान बहुत हैं, हमें पवित्र अभी हम अपने आप में ही और ज़्यादातर जो स्नान पुरुषों का जो स्नान है पूर्ण सिर से और सिर से ऊपर से लेकर के विशेष स्नान जल डाल करके करें बहुत उत्तम उपयोगी कहलाता है। मैं अभी ज़्यादा न बताती मैं स्नान के बारे में मैं इतना बताऊँ कहूँगा कि बिना पूजा के स्नान का कोई हल नहीं, बिना पूजा के स्नान का कोई हल नहीं और बिना स्नान के पूजा का कोई हल नहीं।
बिना पूजा के, बिना पूजा के स्नान का कोई हल नहीं, बिना पूजा। वाशिंग विदाउट वर्शिप हैज नो रूट, वर्शिप विदाउट वाशिंग हैज नो फ्रूट। अतः पवित्र कामों में स्नान आवश्यक है।